संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचन सार महान शास्त्र है। अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, अपन भी चर्चा करते हैं, तो एक शब्द बार बार आता है, परिणाम। तो परिणाम अपन समझते हैं, अपने परिणाम होते हैं कि अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम। जो जीव के भाव होते हैं अकेले, उन्हीं का नाम परिणाम नहीं है। सही द्रव्यों का जो परिवर्तन होता है ना, पर्याय पलटती है, उसे भी परिणाम कहते हैं, उसे भी भाव कहते हैं। और बात तो बहुत है, द्रव्य को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, और पर्याय को भी भाव कहते हैं। द्रव्य को भी परिणाम कहते हैं, गुण को भी परिणाम कहते हैं, और पर्याय को भी परिणाम कहते हैं। परिणाम शब्द का उपयोग अनेक जगह अलग अलग अर्थों में होता है। हम अपने उपयोग में सावधान रहेंगे और स्टाफ के विषय से परिचित होंगे तो हमारी वो समझ में आएगा। चाहे गुरुदेव श्री का प्रवचन किसी भी गाथा पर चले, और चाहे और किसी का भी चले, यदि हम रेगुलर साथ सभा में उपस्थित हैं तो जो भी गाथाएं चल रही हैं, उस गाथाओं के चार छः पहले गाथाएं और चार छः गाथाओं का बाद में इतना अध्ययन हमको निरंतर करते रहना चाहिए, तो वो विषय वस्तु हमारी पकड़ में आती है, भाई क्या बात चल रही है। नहीं पर एक एक बात ऐसे भाई जैसे बढ़िया से बढ़िया सूक्ति होती ना, वो चलती रहती है पर हम वो सुनते रहते हैं, उससे कोई लाभ हमारे लिए नहीं होता। इसलिए जब भी हम प्रवचन करते हैं तो जैसे जिस गाथा का भी कर रहे हों तो उस गाथा से चार छः गाथाएँ शुरू पहले और चार छः गाथाएँ बाद तक, कम से कम 10-15 गाथाओं का पाठ कराते हैं, जिससे हमें मोटा मोटा आइडिया उस प्रकरण का लगता रहे कि क्या बात चल रही है। अब देखिए, कल अपन ने बात बताई थी कि गेय तत्व प्रज्ञापन पे अपन चर्चा चल रही है। 18वीं गाथा की थोड़ी चर्चा अपन ने कल की थी। तो अब ये गेय तत्व क्या है? ज्ञान तत्व तो भगवान आत्मा है, तो वो भगवान आत्मा को भगवान आत्मा ही कह देते ना, ये ज्ञान तत्व क्यों कहा? जिससे हमें कन्फ्यूजन हो गया कि कोई दूसरी चीज होगी। तो कहते हैं कि ये जानने वाला तत्व, तो जानने वाला तत्व कैसे जानता है, क्या जानता है, वो सब बातें उसमें बताई जाएंगी। कि जो जानता है वो सारे गेयों को जानता है। देखो, निमित्त की अपेक्षा जिसे नैमित्त कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा उसे गेय कहते हैं। माने हमेशा दो पार्टी होती हैं, कि एक जानने वाला तो एक जानने में आने वाला, एक करने वाला तो एक करने में आने वाला, होगी ना। तो कहते हैं कि एक गेय तत्व, तो ज्ञान तत्व तो अपना भगवान आत्मा हो गया, और गेय तत्व क्या है? तो कहते हैं कि जो दुनिया में केवल ही भगवान के ज्ञान में, जानने में आ रहा है, वो सब गेय तत्व है। केवल ही भगवान की शर्त क्यों लगा दी? क्योंकि हमारे और तुम्हारे ज्ञान में सब गेय नहीं आते हैं, इसलिए केवल ही भगवान के ज्ञान में कोई चीज बाकी रहती नहीं है। तो गेय तत्व माने क्या हुआ? कि दुनिया में जो भी पदार्थ हैं वे सभी गेय माने ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। अब वे कैसे हैं? अभी ज्ञान तत्व को बताया था ना, तो ज्ञान ने बताया कि वो ज्ञान तत्व
जैसा केवल ज्ञान का स्वभाव है ऐसा उसका मूल स्वभाव है। ऐसे ज्ञान तत्व वाले को अनंत सुख होता है, तो ये सुख भी उस ज्ञान तत्व में शामिल है। और सुख जैसे अनंत गुण और हैं तो उन वे भी उसमें शामिल हैं वो ज्ञान तत्व में। अकेले सुख गुण को क्यों कहा? तो देखो, जब फिलोसफी की बात चलती है दर्शन शास्त्र की, तो उसमें ज्ञाता दिष्टा आत्म राम इनकी मुख्यता होती है। माने ज्ञान गुण की और दर्शन गुण की। दर्शन माने सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं, एक ज्ञान जैसा ही एक गुण और है आत्मा में, जो ये जानने का काम करता है वो देखने का काम करता है। अब जानना देखना लोक में हमको एक सही लगता है ना, उसी को जानना कहते हैं, उसी को हम देखना कहते हैं। इस डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको बता रहा हूं। और जब अध्यात्म की बात आती है तो हम मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वहां कहते हैं ज्ञाताधिष्ठा आत्म राम, और यहाँ क्या कहते हैं? तो यहाँ ज्ञान में से वो दर्शन गुण छोड़ दिया और आनंद गुण ले लिया, मन सुख गुण ले लिया। अब है तो अनंत गुण, लेकिन एक एक क्यों लिया? क्योंकि हम एक गुण को ही आत्मा ना मान लें, एक गुण को ही द्रव्य ना मान लें। तो ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं ये बताने के लिए तो दूसरा नाम लिया साथ में। और फिर अनंत के तो लिए नहीं जा सकते हैं, तो हमने चुनाव किया कि एक का किसका लें। तो कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख ते भयवन। सारे जीव अनंत जो जीव हैं इस जगत में वे सुख चाहते हैं और दुख से डर सकते हैं, डरते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ वो सुख गुण जोड़ो। हमें जान जान के क्या करना? जैसे एक व्यापारी बनिया है ना, तो कहते मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्यों? कि धर्मशास्त्र नहीं, इंजीनियरिंग, चार्टर अकाउंटेंट बन रहा है, बहुत सी पढ़ाई। तो वो कहता भैया मैं कुछ नहीं जानता, तू तो ये बता कि जब वो 5 साल पढ़ के निकलेगा तो कितने का पैकेज मिलेगा? क्यों? बिना पढ़े लिखे माँ बाप की तो समझ में यही आता है ना, हम सब की में भी, हम सब भी यही पूछते हैं कौन सी डिग्री कैसी डिग्रियाँ जो आजकल के बताते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि अरे बिना पढ़े लिखे ही माँ बाप नहीं, हम अपने को बहुत पढ़ा लिखा मानने वाले, हमारी समझ में भी कुछ नहीं आता, आप लोगों की में आता है? भाई अपन तो इतनी समझ में आता है कि पापा मैं तो ये नहीं ये पढ़ाई में जाऊँगा। कि क्यों बेटा? कि इसमें निकलते ही इतना पैकेज मिलेगा। नहीं मैं तो अहमदाबाद के फलाने कॉलेज में पढ़ती भर्ती होऊंगा, मुझे बम्बई में। बेटा अपना बम्बई अहमदाबाद से इतना बड़ा है, घर में रोटियां खाएगा और मुफ्त में पढ़ लेगा, वहां जाएगा कहां कहां मारा मारा फिरेगा, काय को जाता है? आपको पता नहीं है क्या? तू बता दे कि वो पढ़ाई पूरी नहीं होगी उसके पहले सारी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां आकर 1 करोड़ का पैकेज की नियुक्ति देंगी। हाँ जा बेटा जा, हम तो इतना समझते हैं ना। जैसे हम व्यापारी हैं और हम वो पैकेज हमारी समझ में आता है, उससे ही समझ में आता है, वैसे नहीं आता। ऐसे ही कहते हैं सारी दुनिया के जीव सुख चाहते हैं कि भाई तेरे का ये ज्ञान की बात कर रहे हो तो ये ज्ञान से मिलेगा क्या? सुख मिलेगा कितना के अनंत। और इसलिए उसका स्वरूप समझाया, कितनी वैज्ञानिक बात है। फिर वो नकली सुख भी होता है तो उसका स्वरूप समझाया, उसका कारण समझाया है। अब उनने कहा कि जिनको ये तुम्हारा ज्ञान, जिसको हमने कहा है कि ये सारी दुनिया को जानता है, तो वो सारी दुनिया क्या है? कि जो कुछ जगत में है वो सब कुछ दुनिया में आ जाता है।
सब पदार्थ गेय हैं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो पदार्थ गेय ना हो। परमात्मा प्रकाश में केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए परमात्मा प्रकाश एक ग्रंथ का नाम है योगेंद्र देव का, तो उसकी टीका में ऐसा लिखा है कि केवल ज्ञान में इतना जानने की ताकत है, कितना कि जितना ये लोक है, लोक माने छह द्रव्य, षट द्रव्यमयी, छह द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। ये तो पढ़ा होगा ना अपनी पाठमालाओं में, इतना ये सबको जान ले तो उसको महिमा आती नहीं, बस इतना ही। तो उससे समझाने को कहा ऐसे अनंत लोक होते तो उन्हें भी जान लेता, ऐसा वहां समझाया। फिर एक उदाहरण दिया कि एक बेल है, वो जमीन पे बोई तो वो ऊपर को नहीं जा सकती, पेड़ तो बोते हैं ना तो ऊपर को बढ़ता है, बढ़ता जाता ना, और बेल ऐसी जमीन पे फैलती है, लेकिन किसी पेड़ का सहारा मिल जाए तो वो उसके साथ ऊपर चली जाती है। कितने कि जितने ऊपर तक पेड़ जाएगा उतने ऊपर तक वो बेल भी चली जाएगी। तो कोई बोला कि इतनी ताकत है ना जितनी पेड़ में है, कि नहीं नहीं, यदि ऊपर पेड़ और होता तो 10-20 फुट और चली जाती। क्यों? तो वो इसलिए रुक गई क्योंकि उसे पेड़ नहीं मिला ऊपर, जहां तक मिला वहां तक बढ़ गई। ये उदाहरण दिया है। जयपुर में मैं प्रचार कर रहा था और ये बात समझा रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि ये तो सिर्फ महिमा वाचक है, महिमा बताने के लिए ऐसा कह दिया, ऐसा है नहीं, घबराना नहीं। केवल केवल ज्ञान ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि जितने गे हैं उनको जानना ही उसका स्वभाव है, और बाकी को कि बाकी है क्या, तो बाकी कुछ नहीं है ऐसा जानने का स्वभाव है क्या। क्योंकि यदि ऐसा माने कि उसका गेयों की कमी की वजह से ज्ञान का विकास रुक गया, तो केवल ज्ञान ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय नहीं कहलाएगी। ये बात समझ आ रही ना, और केवल ज्ञान तो ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है, वहां केवल ज्ञान की महिमा बताने के लिए वो उदाहरण दिया था। अब उसके स्वरूप में तुम गलती समझ लो, इसका मतलब अभी कुछ बाकी रह गया जानना। अरे भाई जो था उसे जान लिया और बाकी नहीं है ऐसा जान लिया, तो क्या रह गया बोलो। तो एक राजमल जी करके थे, कुचामन के थे, तो सोनगढ़ में रहते थे, और वो जरा ज़्यादा ही बोलने बाचाल थे, सब गुरुदेव के मुँह भी लगे रहते थे, है ना, आप जानते होंगे, ठनके ठनके से थे, सब लोग जानते होंगे। तो वो भाग्य से वहाँ आए हुए थे और हमारे स्मारक में ठहरे हुए थे, मेरे प्रवचन में थे। बोले तो नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परमात्मा प्रकाश में ऐसा लगा, गुरुदेव ऐसा फरमाते, ऐसा सब बहुत 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 बोलने लगे। तो मैंने उन्हें समझाया कि गुरुदेव फरमाते हैं तो वहाँ लिखा है, तो उसका अर्थ बोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो महिमा है, महिमा बताते हैं, गुरुदेव भी महिमा बताते हैं कि ज्ञान की कितनी महिमा है, क्यों क्यों समझ नहीं ना है? हमारे जितने भव हैं भविष्य में, वो सर्व भगवान जान लेते कि नहीं जान लेते हैं? अब महावीर भगवान के कितने भव हैं भविष्य में, जान लेंगे कि नहीं जानेंगे, है ही नहीं भव, तो महावीर के नहीं जान पाएंगे, मैंने हमारे तुम्हारे जान लेंगे, इतनी कमी रह गई ना। अरे भाई साहब ये जान लेंगे कि इनके अब भव हैं ही नहीं, समझ गए ना, ये भी तो जानना है। तो यहाँ जाकर वहाँ सोनगढ़ पहुँचे, तो सोनगढ़ में रहते थे ज़्यादा, 6-6 महीना रहते थे,
तो वहाँ जा कर के कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं बहुत हो हल्ला किया था। गुरुदेव श्री के पास बात पहुँची तो गुरुदेव ने कहा कि 15 दिन बाद वो आने वाला है, तब बात करेंगे, अभी ये बात बंद करो। अब मैं कल कोई ये चर्चा नहीं करे, ये चर्चा करेगा तो ये ठीक नहीं है। वो आ रहे ना 15 दिन बाद, उनसे पूछेंगे क्या कहा था उनने, अगर इनके कहने से मान लें। तो मैं जब गया तो एक एक आदमी के चेहरे का रंग दूसरा ही था। सोनगढ़ का वातावरण कैसा रहता था हैं? जो लोग उस समय गुरुदेव के सामने थे वहाँ रहते थे और उनकी एक एक समय की खबर है कैसे कैसा क्या होता था। गुरुदेव के को छींक आ गई तो एक सेकंड में सारे सोनगढ़ में हो जाएगी छींक आ गई। मैं गया, प्रवचन हुआ गुरुदेव का, फिर गुरुदेव ने मुझे बुलाया, क्या बात है राजेंद्र जी ऐसा कह रहे हैं? तो मैंने बताया, गुरुदेव ये बात थी, मैंने ये बताया था, उसका ऐसा अर्थ बताया था, जो अभी आपके सामने बात कही ना वो सब मैंने कही, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है? वो भरी सभा में एक मिनट में उनने कहा और सब एकदम क्लियर, सारे बादल छट गए। और वे बादल जो मेरे माथे पे मंडरा रहे थे वो राजमल के माथे पे मंडरा रहे। क्यों? मैंने पूछ, गुरुदेव श्री विद्यमान थे तो दिनवाणी में कितनी कितनी अपेक्षाएं आती हैं। अभी अपन पढ़ रहे थे गुरुदेव कहने में कि भैया जो जो जहाँ जो अपेक्षा है वो अपेक्षा समझना चाहिए अच्छी तरीके से। हम अपेक्षाएं नहीं समझते हैं तो ये सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का सबसे बड़ा उपयोग हमारे लिए ये है कि हर बात की जो अपेक्षा लगा करके वो स्पष्ट करते हैं। कभी उनने जिनवाणी के किसी कथन पर प्रश्नवाचक नहीं लगाया, क्योंकि एक कथन पर प्रश्नवाचक लगाएं तो फिर दूसरे पर क्यों नहीं, तीसरे पर क्यों नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पास जो तत्व ज्ञान है वो जिनवाणी को पढ़ करके ही तो हुआ है। और आज भी गुरुदेव श्री नहीं हैं लेकिन जिनवाणी तो है, उनकी वाणी तो है, हमारा सब उसी के भरोसे चल रहा है कि नहीं? यदि वो आधार हमारा खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल जिस गाथा का अर्थ अपन ने किया था, क्या कहा था उसमें, है कुछ है किसी को याद? दो उदाहरण दिए थे, एक तो सोने की अंगूठी में माणिक जड़ा हुआ है, माणिक एक रत्न होता है ना, और दूसरा उदाहरण कि बिल्कुल पवित्र निर्मल जल बहकर और किसी बगीचे में चला गया, तो जितने भी पेड़ थे वहाँ, नीम का पेड़ था, चंदन के पेड़ थे, उन सब पेड़ों में वो जाकर के पेड़ों ने सूख लिया और फिर वो उसमें बढ़ने लग गया। ये दो उदाहरण उन्होंने दिए, दो, एक उदाहरण अस्ति, एक उदाहरण नास्ति। ये आत्मा ऐसा नहीं है, एक उदाहरण में ये बताया और दूसरे उदाहरण में ये बताया कि ऐसा है। क्या कहते, जैसे अंगूठी में सोना जड़ा है, सोने में माणिक जड़ा है, तो माणिक अपना चमक रहा है और सोना अपना चमक रहा है, किसी ने किसी को पराभव नहीं किया। आपकी योग्यता आपकी चमक रही है, मेरी योग्यता मेरी चमक रही है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपका काम आप कर रहे हैं। मान लो मैं एक किताब लिखता हूँ बढ़िया, तो मेरा काम मैंने किया और आप उसे छपा कर गाँव गाँव में भेज देते हैं, तो आपका काम आपने किया, और जो वहाँ के लोग हैं
उनने उसे पढ़ते हैं तो उनने पढ़ने का काम उनने किया। यही होता है या नहीं होता है? तो हमारी तुम्हारी काय की प्रतिद्वंदता है, हम तो लिखने वाले हैं, छपाने वाले नहीं हैं। और तुम छपाने वाले हो, तुम लिखने वाले नहीं हो, तुम भी लेखक होते और हम भी होते तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? तुम भी छपाने वाले होते और हम भी होते तो गड़बड़ हो जाती। अब अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करते हैं। गुरुदेव के प्रभावना योग में सबका योगदान है ना? अब देखिए कि वो कहते हैं कि इसलिए इस, अब उदाहरण दो, ये तो उदाहरण था सिद्धांत कि इस शरीर में जो आत्मा है, इसलिए आत्मा मेला कुचैला हो गया है और उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। और होता तो अरहंत भगवान कैसे रहते? अरहंत भगवान सोने में जड़ी हुई हीरे जो माणिक जैसे हैं। अब एक उदाहरण हुआ, अब दूसरा उदाहरण कि वो जो पानी जिसका स्वभाव प्रवाही था और जो मीठा, उसका एक निश्चित स्वाद होता है ना, जैसा पानी अपन पीते हैं वैसा स्वाद था और उसकी गंध भी होती है, वैसी गंध थी। तो वो जाके चंदन के पेड़ में गई तो गंध बदल गई, नीम के में गई तो कड़वा हो गया। और उसका जो प्रवाही माने बहने का स्वभाव था वो भी छूट गया, क्योंकि वो तो वहां पेड़ में ही चढ़ के रह गया, बस खत्म। तो एक क्यों हुआ फिर? वो शरीर में जाके वो माणिक का तो नहीं हुआ था सोने में जड़ने से। तो वो कहते हैं कि यहां इसलिए हुआ कि इस आत्मा है ऐसा गया तो उसने उसमें अपनापन किया, राग किया, द्वेष किया, तो आत्मा का अपना प्रवाहीपन छूट गया, मिठास छूट गई और गंध छूट गई। गुरुदेव श्री ने इस पे जो लिखा कितनी बारीकी से देखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि ये तीन बातें क्यों लगाएंगे? कौन कौन सी? प्रवाहीपना और मिठास और सुगंधी। तो कहते हैं प्रवाहीपना कह के तो वे व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं और मिठास कह के और सुगंधी कह के अर्थ पर्याय की बात कर रहे हैं। ये मूल में कहीं नहीं है, न टीका में है, न मूल गाथा में है, न जयसेन में है, पूज गुरुदेव सिंह ने बताया, समझाया। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आप। स्वामी जी इस गाथा का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ पूरा, आपकी समझ में भी आ सकता है, लेकिन आपको भरोसा तो हो ना? क्यों? जिस तरह सोने में जड़े हुए माणिक वाले कंकड़ों में माणिक सोने में जड़ा हुआ है किंतु इससे माणिक का स्वभाव नहीं बदल जाता, इसी तरह जीव को मनुष्य आदि शरीर एक क्षेत्रावकाश संबंध से मिला है, इस कारण जीव विकारी नहीं होता, अर्थात उस शरीर के कारण उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नष्ट नहीं होता। हमारा भी नहीं, हमें तो अभी केवल ज्ञान नहीं है, हमने अरहंत भगवान का उदाहरण, तुम्हारा सिद्ध नहीं है ना, उनका सिद्ध है। यदि होता तो अरहंत भगवान के भी पहले नहीं था ना ज्ञान इतना, लेकिन वो शरीर के अंदर वैसे ही के वैसे विद्यमान रहे और फिर भी ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया। इससे मालूम पड़ता है शरीर ने नहीं रोका था, शरीर ने रोका होता तो वो रूप उन्हें होता नहीं। क्यों?
लेकिन उसमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जो था उसने रोका, क्योंकि उनने राग परमे एकत्व बुद्धि परमे कर्तृत्व बुद्धि और उनमें उससे राग ये था तो नहीं था, और फिर जब ये गया तो हो गया, तो इसका मतलब राग देश मोह ने और एकत्व ने रोका था। समझ आ गया ना? मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ूंगा गुरुदेव का, लेकिन आप पहले समझ लो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा कि राग देश मोह ने रोका था। हमें मालूम तो पड़े कि अभी हमारा शरीर है तो ये मनुष्य शरीर में आत्मा जकड़ा हुआ है और हमें मोह राग देश भी हैं, तो जो हमारे केवल ज्ञान को और अनंत सुख को जो हम चाहते हैं कि हमें हो जाए, तो इसमें से किसने रोक रखा है? अब जिसने रोके ही नहीं रखा हो, हम उसको मान लें तो सारा प्रयत्न उसकी तरफ करते रहेंगे, और जिसने रोक रखा है उसे समझे नहीं तो हमारा गलत दिशा में प्रयत्न हो जाएगा ना। तो वो कहते हैं वो समझो किसने रोक रखा था, वो हो गया ना। देखो पढ़ता हूँ, जिस है? रोकने का मतलब एकत्व। हाँ, एकत्व ममत्व कर्तृत्व सब, एकत्व ममत्व कर्तृत्व ये सब मिथ्यात्व का विकल्प है। देखो सुनो, भाई साहब ने टोका है तो मैं बता देता हूँ। एकत्व माने पर पदार्थ में ये मैं हूँ ऐसी मान्यता, इसको एकत्व भी कहते हैं और इसको अहम बुद्धि भी कहते हैं और एकत्व बुद्धि भी कहते हैं, ख्याल में है ना? फिर ये मैं हूँ ऐसी मान्यता तो ना हो, पर ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, इसका नाम ममत्व, समझे ना? उसका नाम ममत्व बुद्धि, इसका नाम स्वामित्व बुद्धि भी है। फिर मैं इसका करता हूँ, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि, और इसका मैं इसका भोगता हूँ, इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि। ना मैं इनका करता हूँ, ना मैं इनका भोगता हूँ, ना ये मेरे हैं और ना मैं हूँ ये, चार बातें हो गई ना। ये चार बातें मिथ्यात्व की सूचक हैं, चाहे एकात्व कहो, चाहे ममत्व कहो, चाहे कर्तृत्व कहो, चाहे भोगित्व। वास्तव में जब एक जहाँ होती है वो चारों ही होती हैं वहाँ, और प्रकट एक दिखाई, विकल्प में एक आती है। और अब राग क्या है ये भी समझ लो, इसके साथ अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोभ होते हैं ना, तो वो राग तो इसमें इनमें ही आ गया, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि। अब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजनन संबंधी जो राग है, जो सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, समझिए ना, और दो राग, दो माने कौन, अप्रत्याख्यान और संजुलन वाले, अनुवृत्ति को भी होते हैं और महावृत्ति को भी होता है एक संजुलन का, तो वे सब राग उससे इतना खतरा नहीं है। इसलिए यहाँ पर एकत्व वाला ही लेना, ममत्व वाला ही लेना, कि इस राग के कारण हम फंसे हैं, यानी हमें मिथ्या, वास्तव में उसका नाम एक मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व के कारण हम फंसे हैं, उनमें जो हमारा एकतापन हुआ उसके कारण हम फंसे हैं। ये रूमाल था और ये यहाँ पर जल गया, तो जल जाता है, चाहते रूमाल जल जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये रूमाल मेरा था, मैंने इसे खरीदा था, फिर मैंने बढ़िया सिला था, फिर धोके लाया था, तो फिर वो हमें दुख होगा, तो दुख का कारण क्या हुआ, रूमाल का जलना नहीं, उसमें जो मेरापन था वो हुआ कारण। सारे संसार में देख लो आप, ऐसा पदार्थ तो कितने कितने हैं और उनमें क्या क्या होता रहता है, हैं? कि साहब एकदम आतंकवादियों ने पाकिस्तान में एकदम 50 आदमियों को मार दिया, धड़ाधड़, हैं? करते हैं ना बात, क्या बेकार की बात करता, चलने देना, तो तुम तो सुनता नहीं है, गुरुदेव का टेप चल रहा है और तुम ये बीच में लेके आ गया, क्या
और यदि उसमें अपने घर का कोई हो तो है? फिर बोल आप फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है आपको, इससे इतने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे अपनापन टूटने से ये देह में अपनापन है तो जरा जरा से इसमें जो परिवर्तन होता है वो हम अनंत दुखी होते हैं, और अपनापन नहीं रहा तो कुछ भी होता रहे, जैसा पर का और पर का होता है वैसा देह का भी होता रहता है। मुनिराज को ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके वो मान्यता टूट गई और वो राग भी टूट गया, अकेला संतुलन रह गया। तो संतुलन राग संगलन जो कषाय है ना, वो जब तीव्र उदय में होती है तो ही काम करती है। सातवें मनुष्यान में वो कषाय का उदय तो होता है लेकिन तीव्र नहीं होता। क्या गाथा है गुमर सार की? संजोलन नो कसायो उदयो मंदो जदा तदा हो दी। संजोलन कसाय और नो कसाय, नो कसाय मन हास्य देख, ये इनका उदय जब मंद होता है तब सातवां गुण स्थान होता है, तीव्र उदय होता है तो छठवां गुण स्थान होता है। तो छठवां गुण स्थान में मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुनिराज हैं और अब खतरनाक बात है, कुंद कुंद लो जिसमें अपनी अकाट्य श्रद्धा है, जिसके बारे में अपने चित्त में कोई संशय नहीं है, और उन्हें जो समय साल लिखने का राग हुआ जिसकी वजह से हमारा अनंत उपकार हुआ, वो राग मंद था कि तीव्र? ये समय सार तीव्र राग का काम है, क्या कह रहे? इसे भी तीव्र के सार का काम है, ये राग का होना। अब मैं तो गुरुदेव श्री जो प्रवचन कर रहे थे ना, अपन को सुना रहे थे वो कार्य का कार्य समझ गए? वो कहते हैं नहीं तो अपने में होते, कुंद कुंदाचार्य को वो तीव्र नहीं होता तो अपने आत्मा में गए होते, भले ही वो कसाय संतुलन है लेकिन वो तीव्र है उस वक्त। छठवां गुणस्थान ही तीव्र कसाय का है। और तीव्र कसाय को तो हम अच्छा नहीं कह सकते, गुरुदेवों के मुख से आपने कभी कभी ये सुना होगा कि इस समय सार उनने जो लिखा है तेरे पे करुणा करके, क्योंकि वे अंदर में अनंत शांत शांति में सद्दुपयोग की भूमिका में अंदर में थे, तो बाहर आए तो बाहर शुभ राग की भयंकर भट्टी जल रही थी। क्या तो उस भट्टी में झुलस गए, समझे ना? और उस भट्टी में वो जलती हुई लगी हुई आग में उनने तेरे लिए समय साल लिखा, और फिर अंदर उसमें चले गए जब अनंत ठंडक थी। गुरुदेव के मुख से सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है तुम्हारे लिए है? तुम्हें इसकी कीमत नहीं है, अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे तो वे तो मान लो कि चौथे गुणस्थान की भूमिका में थे, तो वहाँ तो तीन कसाय का होता है और भी होता है, गुणस्थान की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव की नहीं, घबराना नहीं। तो उसमें तो अशुभ भाव भी होते हैं, कौन से क्यों कौन से गुणस्थान तक होते हैं बताओ? सब होते हैं गुणस्थान के हिसाब से, उसमें कोई गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, जो गुरुदेव जिस गुणस्थान में होंगे उस गुणस्थान के योग्य शुभ अशुभ सब होंगे, समझना है ना? तो वो कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो यदि वो गुणस्थान में है तो वो है ही,
कुंद कुंद को इतने तीव्र राग हुआ तो वो तो समय साल लिखा तो उसके बिना संभव ही नहीं है। ये तो हम वस्तु का स्वरूप बता रहे, जो पहले जमाने में रहट चलाते थे कुएं में से, समझ गए ना, तो पानी वो कुएं में से निकल के ऊपर आता था, फिर एकदम बहता हुआ आता था, फिर वो खेतों में जाता था। जिस तरह पानी का पूर, पूर की व्यंजन पर्याय, एक उसको व्यंजन पर्याय में लिया क्योंकि वो पूर का एक ऐसा आकार है, यदि वो ऐसा जाएगा तो ऐसा ही बहता जाएगा, और पेड़ों में गया तो वो बहना रुक गया उसका, तो व्यंजन पर्याय में विकृति आई। व्यंजन पर्याय अर्थात वो आकृति का स्वभाव तो पूर्व रूप बहना है, पानी की आकृति का स्वभाव माने व्यंजन पर्याय माने आकृति का स्वभाव तो पूर्व रूप बहना है, और अर्थ पर्याय माने स्पर्श रस गंध आदि की पर्याय तो स्वादिष्ट रूप रहना है, फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम और चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है। अब ये बताना चाहते हैं कि नीम ने कर दिया गड़बड़, कहते नहीं वो नीम थोड़ी उसके पास गया था, वो पानी दौड़ के नीम के पास आया, यानी वो आत्मा अपनी गलती से ही ये काम में फंसा है, समझ गए ना, आत्मा ने उसमें एकत्वमत्व कर्तृत्व किया तो उसकी वो व्यंजन पर्याय भी विकृत हुई और उसकी अर्थ पर्याय भी विकृत हुई, दोनों पर्याय विकृत हुई, ये बताना चाहेंगे। और ये परिणमन उसके स्वयं से हुआ, स्वभाव से हुआ, ये स्वभाव से माने क्या कि पर्याय स्वभाव, एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव, एक इसको बोलते विभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव माने विभाव रूप परिणमित होने का स्वभाव है ना। फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है, पानी ऊंचा व चौड़े रूप आकार, देखो ऊंचा व चौड़े ऐसा ऊपर से आया था ना, और चौड़ा ऐसा चौड़ा था, चौड़े रूप आकार और कड़वे और सुगंध आदि पर्याय रूप स्वयं के कारण परिणमित होता है। नीम का झाड़, नीम के झाड़ के कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ता, नीम में चढ़ा ना, नीम की जड़ में गया ना पानी तो, लेकिन वो कहाँ तक चढ़ा, नीम की अंतिम पत्ती तक भी पहुँचा, लेकिन अब वो अपने आकार में नहीं रहा, वो नीम के आकार होता गया, खो दिया उसने अपना आकार, और कड़वे रूप नहीं होता, परंतु पानी स्वयं की योग्यता से इस रूप, कहते उस नीम के कारण नहीं हुआ वो कड़वा, उस पानी की ऐसी योग्यता थी कि नीम की संगति में जाएगा और स्वयं कड़वा कड़वे रूप परिणमित हो जाएगा। वो दही में, दूध में थोड़ा सा जामन डालते हैं ना, दही अपन तो नहीं डालते, जैनी जो अजैन लोग हैं तो कल का दही, पुराना दही वो नए दही में डालते हैं तो वो जम जाता है बढ़िया, वो कहते जामन डालो तो अच्छा जमता है, और अपन लोग जो चांदी मानी का टुकड़ा जो डालते हैं तो उतना बढ़िया नहीं जमता, तो वो तो कहते उतना जो जामुन डाला, अपन सारी दुनिया कहती है कि उससे वो दही दूध दही रूप हो गया। गुरुदेव कहते नहीं ये बात सही नहीं है, क्या सही है कि वो दूध में दही रूप होने की अपनी स्वयं की विभाव स्वभाव रूप योग्यता थी, उसके कारण वो परिणमित हुआ है। ये सब बातें गे तत्व प्रज्ञापन में क्यों बता रहे, ये कह रहे गे जो पदार्थ भगवान के जानने में आया उसकी क्या हालत है, उसका स्वरूप समझा रहे कि वो द्रव्यगुण पर्याय वाला है,
और उसमें द्रव्य है, एक एक में अनंत अनंत गुण है, एक एक गुण की पर्याय होती हैं, ख्याल में आई ना, ऐसा परिणमन उसके स्वभाव में पड़ा है। ये एक गेय स्वभाव है। गुरुदेव ने एक किताब छपाई थी, ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव, है ना, पढ़ी थी ना, देखी होगी। और उसमें क्या था पढ़ी किसी ने, उसमें क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन था। हुआ था, हमने तो पहले पढ़ी ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव, ऐसा किताब का नाम। और उसमें लिखा अंदर में कि पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं, अपने आप परिणमित होती हैं। ये क्या, ये किताब का नाम कैसे रखा? इस किताब का नाम रखना चाहिए था क्रमबद्ध पर्याय। जब मैंने लिखी तो किताब का नाम रखा क्रमबद्ध पर्याय, ख्याल में आई ना। लेकिन गुरुदेव ने नाम रखा था क्या, मैंने वो नाम गलत था, अच्छा नहीं था, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, उल्टा मैं समझना। उनने ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव वस्तु के स्वरूप को जानने का है, और गेयों का स्वभाव अपने स्वभाव को वो जना दे, ऐसा वो गेय का स्वभाव है अपना। वो ज्ञान के स्वभाव के कारण वो नहीं जाना, उनने जानने का काम अपने स्वभाव के कारण किया, और गेयों ने अपना स्वभाव अपने के कारण किया। तो क्रमबद्ध पर्याय में वो गेयों का स्वभाव माने प्रत्येक पदार्थ अपने सुनिश्चित क्रमबद्ध में परिणमित हो। भाग्य की बात है कि गुरुदेव अभी तीन बोध कौन सा 172वीं गाथा प्रवचन सार की, और उसमें से अलंकरण के बोल समझा रहे थे, और बाद में याद किया 320 गाथा से, 320 में तो बोलने वाले हैं, 308 से 311 का था कि टीका की तीन पंक्तियां याद की, कौन सी थी वो गुरु मामा, जीवो ही तावत कृमिनात्म परिणाम ऋतुपद मानो जीवा एव नो अजीवा, अजीवोपी कृमिनिमात परिणाम ऋतुपद मानो अजीवा एव नो जीवा। ये तीन पंक्तियां हैं, इसमें से पूज्य गुरुदेव जी ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली। सारे हिंदी के पंडित चिल्ला चिल्ला के कहीं इसमें कहाँ है, इसमें तो ये लिखा है कि जीव जीव है अजीव नहीं, और अजीव अजीव है जीव नहीं, ऐसे ही लिखा उसमें अंत में, है ना। जीव हो इति जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, और अजीव भी अपने कृमिनियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। अब उसमें कि दो द्रव्यों की पृथकता की बात करी है, ये तो है? हम आगे पीछे देखते नहीं, हमारी दिक्कत तो ये है। जब मैंने क्रमबद्ध पर्याय लिखी थी तो सबसे पहले 16 पेज लिखे थे, और 16 पेज छाप के 200 और सब विद्वानों मुनिराजों सबके पास भेजी थी कि भाई ये किताब मैं ऐसी लिख रहा हूँ, तो आप जिन लोगों को इसमें कोई विरोध हो, उनको ये जचे नहीं, उनको कोई प्रश्न हो, सुधार की अपेक्षा हो, तो मुझे बताओ, तो मैं आगे इसको पूरा करूँगा, तो उसमें वो सब बातें लूँगा। तो विद्यानंद जी को दी, तो विद्यानंद जी ने जयपुर में भरी सभा में कहा कि ये जो गाथाएं थी ना, कौन सी, वे तीन गाथाएं हैं कार्तिकेय की अनुपेक्षा की, हाँ, तो वो कि ये गाथाएं तो गृहित मिथ्यात्व के निषेध की गाथाएं हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, अब आगे पीछे पढ़ना चाहिए, मैंने खुद ही नहीं पढ़ा था आगे पीछे, तो सचमुच वहां गीत मिथ्यात्व के निषेध का प्रकरण चल रहा है। और उनने ये समझाया कि तुम ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो कि जे तुम्हारा भला कर देंगे
लेकिन इंद्र और जिनेन्द्र भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते, क्योंकि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो जैसा होना है वैसा ही हो, ऐसा लिखा निष्कर्ष में लिखा, और आगे फिर वही प्रकरण चलता है गीत में था तुके निषेध का। अब उनने वो पढ़ी थी, मैंने देखी फटाफट, फिर मैंने उनसे कहा कि महाराज किसी लिए लिखा हो ये बात, चाहे गीत में था तुके निषेध के लिए लिखी हो, चाहे अगीत में था तुके निषेध के लिए लिखी हो, लेकिन बात तो सच्ची है ना, मैंने तो इसलिए कोट की है ये गाथाएं कि ये लिखा है उन्होंने, कोई झूठी बात लिख के थोड़ी गीत में था तुका निषेध किया। तो मामा समझ नहीं दे रहे, ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ये बात तो ठीक कहते हो कि, लेकिन मेरे उस दिन से मैंने एक कान पकड़ के ये बांध ली कि अपन को कोई भी चीज़ को ज़्यादा लिखना चाहे बोलना, उसके आगे पीछे की 10 गाथाएं और पीछे की सब गाथाएं देखना, अब वो क्या प्रकरण है, कहाँ किस संदर्भ में क्या बात चल रही है, क्या अपेक्षा है, उसे हमें समझना चाहिए। गुरुदेव श्री का निरंतर इतना अंदर से बहुत गहराई से गुरुदेव श्री का अध्ययन था। वो 3 गाथाएं जो वो बात कह रहे थे, तो उस प्रमाण में उनने वो गाथाएं प्रस्तुत की। क्या यहां तो वो ये कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री स्वयं, देखो इसी तरह आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से विभाव व्यंजन पर्याय रूप अर्थातु पृथक पृथक आकार के मनुष्य देव आदि आकार रूप परिणमित होता है। ये आत्मा जो हमें से आकार के हुए हैं तो कर्म के कारण नहीं हो गए, सारी दुनिया कहती कर्मोदय से ऐसा हो गया है, कर्मोदय से ऐसा हो गया है, लेकिन कर्मोदय से नहीं हुआ, हमारी अपनी विभाव व्यंजन पर्याय है, उसकी योग्यता से ये कार्य हुआ है। और हम तो बहुत स्थूल मनुष्याकार, मनुष्याकार क्या होता है, क्या होता है मनुष्य का आकार, तो कह देंगे अपन कि वो कमर पे हाथ रख के 3 लोग का आकार खड़ा है। अरे भाई ये मनुष्य का आकार एक एक क्षण में बदल रहा, एक एक समय में बदल रहा, मेरा कोई एक आकार नक्की है फिर मैं ऐसे हाथ कर देता हूँ तो एक मिनट में आत्मा के प्रदेश भी ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करता हूँ तो आत्मा के प्रदेश ऐसे होते हैं। अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ये तूने हाथ किए इसलिए नहीं, वो आत्मा में ऐसी होने की योग्यता है इसलिए वो आत्मा के प्रदेश ऐसे हुए, और शरीर में ऐसी होने की योग्यता है तो ये शरीर, वो शरीर में जो हुआ वो शरीर के कारण और आत्मा में हुआ वो आत्मा के कारण, एक दूसरे में उनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है, है ना। गाथा 116 और 117 में जीव की अर्थ पर्याय बताई थी, और 118 में गाथा चली ना उसमें व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों को ले लिया। अब जितने और लोगों ने किया वे इस बात को गहराई से नहीं पकड़ा कि पिछली गाथा में और इस गाथा में क्या अंतर आया, पिछली गाथा में और इस गाथा में ये अंतर आया है ना। यह गे अधिकार है, गे की एक एक समय की व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय कैसी स्वतंत्र होती है उसका यथार्थ ज्ञान कराते हैं। ये गुरुदेव का कोटेशन है और ये है दिव्य ध्वनि सार पृष्ठ नंबर 371 पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी बारीक पकड़ है, मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपनी कहता हूँ कि यदि ये गुरुदेव श्री नहीं खोलते कि ये व्यंजन पर्याय की और ये अर्थ पर्याय की बात है अलग अलग, तो मेरी पकड़ में तो नहीं आती, तो उनका अनंत उपकार हुआ ना। एक बात और समझ लेना कि जिनको इनने खोल दिया और हमें को पढ़ने को हमें मौजूद है और फिर भी जिनने नहीं पकड़ पाई, अब उनका क्या कहें, यानी वे भी महाभाग्यशाली हैं कि जिन्हें गुरुदेव के समझाने से समझ में आ गई।
ऐसे लाखों जीव है ना इस जगत में कि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई और सारी दुनिया को नहीं आई, है ना ऐसा? क्यों बुरा नहीं? हमारे यहाँ जयपुर में होता है ना तो सारे मेरे का विश्व के लोग यहाँ आते हैं, और जो जिनका बिल्कुल दीवार से लगी हुई दीवार है वे नहीं जाते, क्या करो आप? 50 साल से हम वहाँ निरंतर ये तत्व तो सुना रहे गुरुदेव का, और वो अपने बिल्कुल क्षेत्र से क्या फर्क पड़ता है पास से और दूरी से, भाव से नजदीकी की बात होती है। जिसके भाग्य में आया होगा काल में काल लब्धि पक्की होगी तो उसकी स्वयं की योग्यता से वो चीज प्रकट होती है। इस प्रकार इस गाथा और इसकी टीकाओं में सोने में जड़े हुए माणिक और पानी के पूर के उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि भगवान आत्मा की संसारावस्था रूप दुर्दशा देहादि संयोगों के कारण नहीं हुई, अपितु उसके विभाव स्वभाव में ही ऐसी योग्यता विद्यमान थी, उसी के कारण यह सब हुआ है। तात्पर्य यह है कि परद्रव्य के कारण सुख दुख नहीं है, सुख दुख स्वयं के कारण है। परद्रव्य के कारण मानकर हम व्यर्थ राग द्वेष करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका प्योर जिम्मेवार पूरा वो है, उसका अच्छे बुरे का जिम्मेवार वो है, उसका हानि लाभ उसका उससे होने वाला है, दूसरे का इसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। तो हर एक को अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए, सोच के रखता है, रखते ही हैं जहाँ जगत के जीव, और जो मुमुक्षु भाई तो रखना ही चाहिए। तो ऐसा एक गाथा आज पूरी हुई 118वीं, अब कल 119वीं गाथा अपन चलाएंगे।